हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और नीट के किसको कितने मार्क्स आए हुए हैं ये सब आप लोगों ने देख लिया होगा। अब आगे ये जानना है कि नीट के कटअप जो हैं, मैंने आपको यूपी का बता दिया, आज मैं राजस्थान, हरियाणा, बिहार, एमपी इन सबों का कटअप आपको बताने वाला हूँ। तो पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको कटअप की कोई जानकारी के लिए कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े। तो कटअप राजस्थान का जो है सबसे मिनिमम जाता है, मिनिमम कटअप मतलब सबसे मिनिमम जो है, अब मान के जो पैसिफिक मेडिकल कॉलेज जो है राजस्थान का, वो उसका 139 तक कटअप लास्ट ईयर गया है। तो इस साल मान के चलो कि अगर 150 नंबर भी है आपके पास और आपके पास 25 लाख रुपए सालाना देने की कैपेसिटी है तो आपको पैसिफिक में सीट मिलेंगे। इसके अलावा जो है राजस्थान में उसके सबसे हाईएस्ट कटअप जो गया है वो 470 का लास्ट ईयर था, तो इस साल 500 मान के चलते हैं। 500 में MGM महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जयपुर में आपको सीट मिल जाएंगे। इसके अलावा जो है आनंदा में 365 पे मिल रहा था। सबके कॉलेज के फीस जो है करीब 25 लाख के करीब में है, किसी का 24,50,000 है, किसी का 21 लाख है, किसी का 25 लाख है, यही है। तो अगर आपके पास बजट अच्छे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, तो आप आराम से जो है राजस्थान की काउंसलिंग में जाइए और बिना किसी को कंसल्टेंसी चार्ज दिए हुए अपना एडमिशन करवाइए। पहला चीज़ ये हुआ। दूसरा चीज़, अगर आपके पास राजस्थान का डोमिसाइल है तो उसके लिए कुछ फीस में डिस्काउंट है, तो लेकिन मार्क्स तो आपको चाहिए और सारा कटअप उस हिसाब से ही जाएगा। तो मैं आपको शुरू से बताता हूँ, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी 190 नंबर, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज 470 नंबर, नीम्स 153 नंबर, अमेरिकन 146 नंबर, पैसिफिक 135-139 नंबर, ये सब कटअप गया था। और इस कटअप के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो अगर आपके पास 150 से लेकर के ऊपर के सारे नंबर आते हैं तो आप आराम से यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। कुछ लोग जो हैं जो पैसे लगाना चाहते हैं वो लोग एमपी के बारे में सोचते हैं कि एमपी में कम पैसे में जो है अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं, लेकिन एमपी का मिनिमम कटअप लास्ट ईयर 466 का था, 466 नंबर से कम एमपी का कटअप नहीं गया था, तो वो भी अमलतास मेडिकल कॉलेज जो है दिवास में, उसमें गया था। इसके बाद चिरायू में 499 गया था, एलएन मेडिकल कॉलेज 475, इंडेक्स मेडिकल कॉलेज 467 नंबर, पीपुल्स मेडिकल कॉलेज 487 नंबर, अरविंदो मेडिकल कॉलेज 517 नंबर, और जो है आरडी गाड़ी उज्जैन उसमें 506 नंबर गया था। तो मिला जुला के आप मान के चलिए अगर आपको मध्य प्रदेश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चाहिए तो आपके पास कम से कम 500 के आसपास नंबर होना चाहिए। अगर 500 से कम नंबर है तो आपको मध्य प्रदेश में सीट नहीं मिलेगी। इसके बाद मैं आपको जो स्टेट ले जाना चाहता हूँ मध्य प्रदेश के बाद, हरियाणा। हरियाणा में गिनती के मेडिकल कॉलेज हैं, लेकिन जो मेडिकल कॉलेज हैं वो बहुत ही अच्छे मेडिकल कॉलेज हैं। जैसे उसमें महाराजा अग्रसेन हिसार जो कि प्राइवेट में वहाँ पे टॉप में आता है, और उस कॉलेज में अगर आपका हो जाता है तो बहुत बेहतरीन है। लेकिन लास्ट ईयर का कटअप जो है महाराजा अग्रसेन का 582 का गया था, तो आप इस साल मान के चलिए कि अगर आपके पास 600 नंबर के आसपास हैं तो शायद हो जाए। आदेश मेडिकल कॉलेज कुरुक्षेत्र साहिबाबाद, शाहबाद में जो पड़ता है, साहिबाबाद मैंने बोल दिया गलती से, शाहबाद कुरुक्षेत्र में पड़ता है वो 431 पे, SGT मेडिकल कॉलेज गुरुगांव 276 पे। तो SGT का फीस 18 लाख लास्ट ईयर था, इस साल 20 लाख के आसपास होने की उम्मीद है। अलफला मेडिकल कॉलेज जो है फरीदाबाद का, उसमें लास्ट ईयर का कटअप 165 का गया था और फीस भी कम था, 14,25,000। अगर इस बजट में आप जाना चाहते हैं तो आप हरियाणा का रुख अवश्य करें। आप ध्यान में रखिएगा कि बजट और पैसे दोनों का अपना हिसाब किताब देख करके उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं बिहार। बिहार में जो है 6-7 मेडिकल कॉलेज हैं टोटल प्राइवेट में, तो यहाँ पे कटअप 400 से ऊपर ही जाता है प्राइवेट में भी। तो अगर आप प्राइवेट में सबसे बढ़िया मेडिकल कॉलेज मानते हैं तो कटिहार मेडिकल कॉलेज है, उसके बाद माता गुजरी मेडिकल कॉलेज है, उसके बाद नारायण मेडिकल कॉलेज है, उसके बाद मधुबनी मेडिकल कॉलेज है, उसके बाद लॉर्ड बुद्धा कोसी मेडिकल कॉलेज सहरसा है। ये सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। इनका कटअप कटिहार का 491, क्योंकि फीस जो था 7,38,000 था,
माता गुजरी देवी का 473 कटअप था, 8,38,000 फीस था। नारायण मेडिकल कॉलेज का 8,21,000 फीस था, 441 का कटअप था। मधुबनी मेडिकल कॉलेज 420 का कटअप था और 13.5 लाख का फीस था। और 12 लाख के फीस वाले सहरसा के लॉर्ड बुद्धा में 424 का कटअप गया था। इस तरह से जब आप देखते हो तो बिहार में अगर आपके नंबर 450 से नीचे हैं तो कोई कॉलेज नहीं मिलना है। इस बात को आप फिर से नोट कर ले, 450 से नीचे वाले को बिहार में कॉलेज नहीं मिलना है, क्योंकि कॉलेजेस की संख्या गिनती से 5 है और स्टूडेंट की संख्या अनगिनत है। करीब 80,000 के आसपास स्टूडेंट वहाँ से निकले हैं, तो 500 एक मात्र सीट है प्राइवेट में, तो होना क्या है आप जान सकते हैं। 500 नहीं, 700-800 पढ़ेंगे, क्योंकि 2-3 कॉलेज में 150 का भी सीट है। अगर आप लोगों में से किसी का बजट कम हो और वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप एक बार हमसे अवश्य संपर्क करें। हमारे पास इंडिया के अलावा और भी सारे कंट्री में ऑप्शन हैं जहाँ का MCI पासिंग रेशियो बहुत ही बेहतरीन है, तो आप उस कंट्री को चूज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यूक्रेन है, रसिया है, जॉर्जिया है, फिलीपींस है, नेपाल है, बांग्लादेश है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, आर्मेनिया है, कैरेबियन आइलैंड है। इन सभी देश में आप जाके अपनी पढ़ाई कम खर्च में पूरी कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि अगर आपने डॉक्टर बनने का मन बनाया है तो उस मन को पूरा करने के लिए हम लोग पूरी तरह से आपके साथ हैं, हमारी पूरी टीम आपके साथ हैं। और आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।